हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति आने वाली है और इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे तो देखिए, दान पुण्य हम हर दिन करते हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन एक विशेष दिन होता है हर चीज के लिए। उस दिन का किया हुआ दान हमें हजार गुना फल देता है, तो इसलिए कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं हमारे हिंदू धर्म में कि उस दिन अगर हम दान पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। तो इसलिए मकर संक्रांति पर भी हमें कुछ ना कुछ नियम जरूर लेना चाहिए जिसका हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। तो उसी के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, और छोटा सा वीडियो है और बहुत ही अच्छा है। इसमें ज्यादा आपको खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ये नियम आपको 14 तारीख को लेना, संक्रांति के दिन, और अगली संक्रांति पर इसका उद्यापन करना होता है, या आप सबके साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। उद्यापन तो आपको अगली मकर संक्रांति पर करना होता है, लेकिन इसको हम सबके साथ में अपना जो होता है वो दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो इस पर आपको क्या लेना होता है, इस पर आपको मेहंदी लगानी होती है। 14 तारीख आती है ना, मतलब हर महीने की 14 तारीख को आपको इस तरह से मेहंदी लगानी होती है अपने आप पर। और फिर जो भी आप देना चाहते हैं दान दक्षिणा में, या तो आप रेवड़ी और मूंगफली दे सकते हैं। रेवड़ी मूंगफली तो हम हर समय नहीं दे सकते हैं, इसकी जगह पर देखिए आप अभी तो खा सकते हैं, लेकिन जब आगे आगे 14 तारीख आएगी गर्मियों में, तो आप उस टाइम पर बिस्कुट दे सकते हैं या लड्डू बनाकर रख सकते हैं। तो वो आप कटोरी में भी दे सकते हैं, जो रेवड़ी मूंगफली होती है वो कटोरी में दे सकते हैं, लड्डू जो है वो आप कटोरी में दे सकते हैं। अगर आप कटोरी का सामर्थ्य है, नहीं रखते हैं देने के लिए, तो आप बिस्कुट और केक और 10 रुपए इस तरह से दे सकते हैं। तो ये वाला दान पुण्य जो है साथ के साथ आप कर सकते हैं, इस तरह से रख के आपको दे देने हैं इस तरह से। या फिर आप कटोरी नहीं देना चाहते हैं तो ये, और इसके साथ में आप बिस्कुट दे सकते हैं। बस इतना ही दान पुण्य आपको करना होता है, और दक्षिणा आपको देनी होती है जरूर से जरूर। ये वाला जो है आप मेहंदी लगवाते हैं तो साथ ही साथ में करते जाना है आपको। तो चलिए आगे का बता देते हैं। तो चलिए इतना तो हो गया है, ये वाला दान पुण्य जो है आप साथ के साथ में कर सकते हैं। और जो उद्यापन है उसका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको पैंट शर्ट का कपड़ा सूट लेना है, ये पैंट शर्ट लेना है, सूट लेना है, और इस पर आपको श्रृंगार का सामान जरूर से रखना है। श्रृंगार का सामान आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, या अपने सामर्थ्य के अनुसार 2 चीजें या 5 चीजें तो आपको जरूर से जरूर लेनी होती है। और एक मेहंदी की केप आपको रखनी होती है, 10 रुपए दक्षिणा जरूर आपको रखनी होती है। तो ये वाला जो है ना, आप माता पार्वती के नाम का रखना होता है, उनको चढ़ाकर फिर आप अपने जो भी होते हैं, जिनको भी आप उद्यापन करके देना चाहते हैं उनको देना दे देना है। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी ये वाला जो सामान होता है आपको सुहागन को देना है, या फिर आप कुंवारी कन्या होती है ना, उसको आपको देना होता है। ये देखिए, इस तरह से आपको रख के, और ये माता पार्वती के नाम का आपको दे देना है, माता पार्वती को चढ़ा के, और फिर आपको किसी को भी दे देना है। इसका मैंने बता दिया है, और ये आपके साथ ये का भी बता दिया है, ये आप साथ के साथ में देना चाहें तो दे सकते हैं। ये एक डेमो वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको, कटोरी जो है वो मेरी थोड़ी है, लेकिन आपको 14 कटोरियां दान में देनी होती है। 14 आप हर महीने भी दे सकते हैं, या फिर जिस दिन आप उद्यापन करते हैं उस दिन भी आप 14 कटोरियां दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा वीडियो है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति चली जाएगी तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का। और हम चाहते हैं बस यही कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करें। तो आप अगर फल देना चाहें तो फल भी दे सकते हैं इस पर, आप जर्सी, शॉल, या फिर कुछ और भी रखना चाहें, जुराब, हैंकी, कुछ भी आप रख के दे सकते हैं, ये आपके सामर्थ्य के अनुसार है। बस इतना तो आपको करना ही करना है, बाकी अगर ज्यादा कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि दान पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है। जितना हम करते हैं भगवान उससे दुगना हमें देता है, तो जरूर से जरूर करिएगा। इस मकर संक्रांति पर आप भी कुछ नियम लीजिए, ताकि आप लोगों को एक अंदर से खुशी मिलती है, क्योंकि दान पुण्य जो है ना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है।
कटोरी जो है ना, आप जिससे भी मेहंदी लगवाते हैं उसको भी दे सकते हैं, या फिर जिस दिन आप उद्यापन करते हैं ना उस दिन आप सभी जो भी सुहागन महिलाएं होते हैं उनको दे सकते हैं, कुंवारी कन्याओं को आप दे सकते हैं ये वाली जो है। तो आपको 14 लेनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वीडियो को समझने में, और इनमें सभी में दक्षिणा आपको जरूर से जरूर रखनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जरूर से जरूर कोई ना कोई नियम लीजिएगा। और बाकी वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट को मेरी को चेक कर लीजिए, या फिर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, तो वीडियो को जरूर से जरूर आप चेक कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको 14 ही कटोरियां लेनी होती हैं, 14 ही मेहंदी की कीप होनी चाहिए, या फिर 14 आप बिस्कुट के पैकेट देना चाहते हैं तो बिस्कुट के पैकेट भी दे सकते हैं, कटोरी को आप स्किप कर सकते हैं। कटोरी देते हैं तो इसमें मूंगफली रेवड़ी जरूर डालिए, क्योंकि मूंगफली और रेवड़ी का दान संक्रांत वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका हमें 100 गुना फल मिलता है। और अगर आप कटोरी में रेवड़ी और मूंगफली नहीं रख सकते हैं जैसे आगे आगे, तो इसमें आप लड्डू भी रख के दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कीप और बिस्कुट का पैकेट और 10 रुपए जिससे भी आप मेहंदी लगवाते हैं साथ के साथ में दे सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए श्रृंगार का सामान भी इस तरह से आपको देना है, कुछ भी आप श्रृंगार के सामान में ले सकते हैं। अच्छा।